देखिए, आज हमारे घर में सुबह सुबह बेटी स्कूल जाने वाली थी, तब सांप निकला और बहुत चिल्लाई जोर जोर से, मम्मा सांप, मम्मा सांप। मैं जैसे ही आई, बहुत तुरंत सोफे के अंदर घुस गया, तीनों सोफा सेट को बाहर लेके आए, उसमें टटोले काय में सांप है। बड़े सोफे के अंदर अब दिखा है सांप। ये देखिए, सांप पकड़ने वालों ने उसे पकड़ लिया है। अब उसे वहाँ लोग एक बोरी में भरेंगे। बहुत बड़ा सांप और बहुत जहरीला सांप है ये, इसकी पूंछ में भी बहुत जहर है, ये लोग बता रहे हैं। हम तो इतना नहीं जानते हैं, लेकिन यह लोग बता रहे हैं कि इनकी इसके पूंछ छूने से भी बहुत जहर फैल सकता है। इसलिए बोले, यह सांप आप लोगों ने देख लिया, अच्छा हुआ, सोफे के अंदर निकला है ये सांप। ये देखिए आज घर के अंदर से सांप निकला है। ये देखिए, ये घर के अंदर से निकला, ये देखिए इतना बड़ा, किस तरह से उन्होंने पकड़े हैं। जानकार लोग ही इसे पकड़ सकते हैं, जो सांप पकड़ना जानते हैं। हम लोगों ने तुरंत इन्हें बुलाया, ये लोग आधे घंटे में आ गए थे। 3 से 4 घंटे लगे इसे पकड़ने में। सोफे पे बहुत जमन से कूदे ये लोग, तब भी वहाँ नहीं निकला, बहुत इधर उधर से फाड़े, तब भी नहीं निकला। जब पूरा सोफा फाड़े, उसके बाद यहाँ निकला है। देखिए, लड्डू पकड़ो उधर। अब इस बोरी में इसको भरेंगे। लकड़ी से ये देखिए, ऐसे बोरी में किस प्रकार भर रहे हैं। और हाँ, तड़प रहा है, रख रहे साथ है बेटा। अब ये लोग जंगल में इसे छोड़ देंगे। एक बार और खंगाल लेना यार इसको, उसे भी बहुत डर लग रहा है पकड़ने में, लेकिन उसने किसी तरह इसको पकड़ कर उसमें डाल दिया है। ये देखो, मेरा बेटा निकल गया अंदर, क्योंकि हमारे घर से निकल रहा है सांप, तो उसे लग रहा है हमारा है, तो रो रहा है। निकल उसको, नहीं बेटा उसको पालना थोड़ी है, उसको क्या निकालेंगे, निकालो बोल रहा है। नहीं यार, अपने घर का नहीं है। हाँ, निकाल के दे दो भैया हम लोग को। ये रोने लगा, नहीं वो एक ही था, इतने दिन से कैंडी बहुत भूख से था। उनको शंका हुई तो एक बार देख ले तो। हाँ सही कहा था। हाँ चलो, निकाल के दो भैया लड्डू को। अब ये राहत मिली है। सुबह 7 बजे से हम सब परेशान, हमारे घर के सामने वाले पड़ोसी भी परेशान। बेल पत्ती बेल का घर बन रहा है, तो बहुत मजदूर आ गए थे। वहाँ लोग ने भी खूब कोशिश की, किसी से नहीं निकला सांप पकड़ने वाले ने हथौड़ा लगा के इसे निकाला है।